and welcome to the topic canal system part 3. Canal system जो part 1 है और part 2 हैं, पिछले दो क्लासेस में या दो सेशंस में मैंने कंप्लीट की हैं। अब पार्ट 3 और लास्ट जो पार्ट है वो आज हम पढ़ेंगे। कि उससे पहले मैं जानना चाहूँगी आप लोग कैसे हो, ठीक हो, अच्छी तरह से रहिए और पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करते रहिए। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं कि रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द कैनाल सिस्टम, दैट इज़ द लुकन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। लुकन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम जो हैं वो कैनाल सिस्टम के सबसे लास्ट के यानी मैक्सिमम जो कॉम्प्लेक्सिटी लिए हुए जो सिस्टम बना है कैनाल सिस्टम वो है लुकन प्रकार के नाल तंत्र। और लुकनोइड कैनाल सिस्टम में आप देखें कि मेन जो बेस्ट एग्जांपल के रूप में इसमें मैंने दिया है कि जिसमें दैट इज़ द स्पोंजिला। ओके, स्पोंजिला, और इसमें पॉइंट्स भी दे रखे हैं, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आप देखें कि लुकन प्रकार के नाल तंत्र जो हैं ये साइकन प्रकार के नाल तंत्र से भी जटिल होता है। इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स देन दैट ऑफ द साइकन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। और साइकन प्रकार के नाल तंत्र की बॉडी वॉल में मैक्सिमम फोल्डिंग के फलस्वरूप या परिणाम स्वरूप ये इस तंत्र का, इस कैनाल सिस्टम का विकास होता है। एंड यू कैन सी द मैक्सिमम फोल्डिंग और इन्वेजिनेशन इज सीन इन द केस ऑफ द साइकन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। और एज अ रिजल्ट ऑफ द मैक्सिमम इन फोल्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ द लुकन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम्स आर फॉर्म्ड। और इसमें जो फ्लैजेलेटेड या फ्लैजेलेटेड जो कोशिकाएँ होती हैं और एक चैम्बर तक ही सीमित हो जाती हैं, वह स्पॉन्जोसील जो हैं रिड्यूस्ड हो जाती है, मैक्सिमम रिडक्शन इन द केस इन द स्पॉन्जोसील। और इस प्रकार के नाल तंत्र में फ्लैजेलेटेड चैम्बर्स भी जो हैं, मैंने कहा फ्लैजेलेटेड चैम्बर्स जो हैं उसका मैक्सिमम रिडक्शन यानी स्मॉल होगा और उसमें रिड्यूस्ड भी होते हैं। और जो पाथवे हैं या पार्ट्स जो होते हैं वो कौन कौन से हैं वो आप देखें। मेनली जो फर्स्ट पार्ट होता है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ओस्टिया होता है। ओस्टिया के बाद में फिर इनकरंट कनाल है और इनकरंट कनाल के बाद में प्रोसोपाइल हैं, प्रोसोपाइल, और प्रोसोपाइल में के बाद प्रोसोपाइल जो हैं वो फ्लैजेलेटेड चैम्बर्स में खुलते हैं, फ्लैजेलेटेड चैम्बर्स में। और प्रोसोपाइल के जो फ्लैजेलेटेड चैम्बर्स जो हैं वो अपोपाइल में खुलते हैं और अपोपाइल जो हैं बाहर, दैट इज अपोपाइल जो हैं अपदा द्वारा फ्लैजेलेटेड चैम्बर्स एक्सकरंट कनाल यानी अपोपाइल जो हैं वो एक्सकरंट कनाल में खुलते हैं और एक्सकरंट कनाल जो हैं वो ओस्कुलम द्वारा बाहर खुलते हैं। यानी इसमें बनता है कैसे है, इसके दैट इज़ अ मैक्सिमम इन्वेजिनेशन इज सीन इन द साइकनोइड टाइप ऑफ द कैनाल सिस्टम। ओके, अब देखें आप इसकी प्रकार भी होते हैं, यानी एक तो पैथवे है, एक और एग्जांपल जो है इसको इसको क्लासिकल क्लासिफिकेशन भी किया जाता है। किस तरह के क्लासिफिकेशन किया जाता है, यानी क्लासिफिकेशन इसी प्रकार होगा जो लुकन प्रकार के नाल तंत्र में कि उद्विकास के अनुसार, उद्विकासी तंत्र होते हैं, उद्विकास या एवोल्यूशन के अनुसार इसमें कुछ चेंजेस होता है। और वो चेंजेस कहाँ हैं, किस स्ट्रक्चर में हैं वो मैं आपको बता दूं। उससे पहले इसका जो वाटर करंट है वो देखें कहाँ पर है। और वाटर करंट जो है वो है पहले ओस्टिया, यानी वाटर फर्स्ट एंडोस टू द ओस्टिया, देन टू द इनकरंट कैनाल, देन द फ्लैजेलेटेड चैम्बर्स थ्रू द प्रोसोपाइल इट एंटर्स द फ्लैजेलेटेड चैम्बर्स, देन टू द एक्सकरंट कैनाल, दैट मीन्स इट एंटर्स टू द एक्सकरंट कैनाल थ्रू द अपोपाइल, देन
आउटसाइड थ्रू द ओस्कुलम। अब ये जो लुकन प्रकार के कनाल सिस्टम जिससे सिंपल सबसे सिंपलेस्ट है, इसको एक नाम से जाना जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, दैट इज़ अ यूरीपाइलस। क्या है? यूरीपाइलस। ओके, यानी यूरीपाइलस जो लुकनोड यूरीपाइलस टाइप के जो लुकनोड कनाल सिस्टम है वो मेनली पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के स्वरूप हम उसको देख पढ़ सकते हैं, वो दैट इज़ द प्लकाइना। ओके, तो मैंने ये जो लिख रखा है इनमें जो भी पॉइंट्स आपको बताए और वो समझ में आ गए होंगे। अब इसके आगे जो डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझा देती हूँ, देखिए आप कि इनमें वाटर करंट, यानी ये पूरी डायग्राम है, डायग्राम के अंदर मैंने कलर पेन से जो है वो लेबल किया हुआ है वाटर करंट। देखिए आप, पहले कहाँ एंटर होता है वाटर, यानी डर्मल ओस्टिया में, डर्मल ओस्टिया से कहाँ पहुँचते हैं, दैट इज़ द इनकरंट कनाल, इनकरंट कनाल से कहाँ पहुँचते हैं, दैट इज़ द प्रोसोपाइल। ओके, प्रोसोपाइल से फ्लैजेलेटेड चैम्बर्स, फ्लैजेलेटेड चैम्बर्स के बाद वाटर जो है पहुंच जाते हैं कहाँ पर, यानी उसके बाद फ्लैजेलेटेड चैम्बर्स से देन द अपोपाइल, अपोपाइल से पहुंचते हैं, दैट इज़ द एक्सकरंट कनाल, एक्सकरंट कनाल से ये बाहर, ठीक है ना। यह है, यानी यह इस प्रकार के जो लुकन टाइप का कनाल सिस्टम, इसको क्या नाम दिया है, दैट इज़ द यूरीपाइलस कनाल सिस्टम। अब अगला देखें कि इसके क्लासिफिकेशन या इस किस तरह के इसका मॉडिफिकेशन हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है, वो देखते हैं। इसका भी ये लुकन टाइप का कनाल सिस्टम है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म का जो लुकन टाइप है वो मैंने आपको दिखा दिया। इनमें यूरीपाइलस का ये दे रखा है, यूरीपाइलस का भी क्या जो डायग्राम है वो एनलार्ज करके वो बता रखा है। देखें, यानी पहले डर्मल ओस्टिया के बाद में वाटर प्रवेश करते हैं इनकरंट कनाल्स, इनकरंट कनाल्स के बाद में पहुंचते हैं प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल्स के बाद में पहुंचते हैं फ्लैजेलेटेड चैम्बर्स, फ्लैजेलेटेड चैम्बर्स के बाद में पहुंचते हैं अपोपाइल। ओके, अपोपाइल से दन एक्सकरंट कनाल, एक्सकरंट कनाल से बाहर, यानी बाहर निकल जाते हैं। ओके, अब अगला प्रकार का जो लुकनोड कनाल सिस्टम है उसको हम लोग कहते हैं, दैट इज़ द अफोर्डल टाइप ऑफ कनाल सिस्टम, यानी अफोर्डल टाइप, अफोर्डल APHODALTYPE, अफोर्डल टाइप। और ये अफोर्डल टाइप का कनाल सिस्टम में जो एग्जांपल मैंने दिया है, दैट इज़ द जियोडिया, GEODIA, जियोडिया। ओके, यानी अफोर्डल टाइप ऑफ कनाल सिस्टम वो क्या है, यानी लुकनोड कनाल सिस्टम का जो दूसरा क्लासिफिकेशन है, दूसरे प्रकार का जो कनाल सिस्टम है, दूसरे प्रकार के जो लुकनोड कनाल सिस्टम है उसको हमने नाम लिया है, हमने क्या है, हमारे जो साइंटिस्टों ने जो इसका स्टडी किया उसके बाद इन्होंने नाम लिया है, दैट इज़ अ अफोर्डल टाइप ऑफ लुकनोड कनाल सिस्टम। ओके, इसमें क्या चेंज होता है, देखिए जो अपोपाइल है वो अपोपाइल एनलार्जेस्ट टू फॉर्म ए नैरो ट्यूब, जो अपद्वार या जो अपोपाइल है वो एनलार्ज होकर के एक संकरी नली या ट्यूब के रूप में हो जाता है, और उस संकरी नली को कहते हैं अफोर्डस। ओके, ये एक चेंज हुआ, यानी अफोर्डल टाइप, अफोर्डल टाइप में किसका फॉर्मेशन हुआ है, अफोर्डस का। ये अफोर्डस कैसे फॉर्मेशन हुआ, निर्माण उसका किस तरह से हुआ, अपोपाइल जो है वो बड़े होकर एनलार्ज होकर के इस तरह के इसका फॉर्मेशन हुआ। ओके, अब देखें इनमें जो वाटर करंट है वो किस तरह से हैं, सब में करीब जो फर्स्ट प्रवेश करते हैं वो ओस्टिया द्वारा प्रवेश करते हैं। अब ओस्टिया से कहाँ पहुँचता है, इनकरंट कनाल, इनकरंट कनाल से वाटर थ्रू प्रोसोपाइल एंटर्स इनटू द फ्लैजेलेटेड चैम्बर, फिर एंडो फ्लैजेलेटेड चैम्बर्स से कहाँ पहुँचते हैं, अफोर्डस में। क्यों अफोर्डस में पहुँचते हैं, क्योंकि अपोपाइल जो है वो एनलार्ज होकर के किसका रूप ले लिए हैं, अफोर्डस का। अब अफोर्डस से कहाँ पहुँच के, एक्सकरंट कनाल, एक्सकरंट कनाल से ओस्कुलम द्वारा वो बाहर निकल जाता है, यानी वाटर करंट फर्स्ट एंटर्स ओस्टिया, देन इनकरंट कनाल, इनकरंट कनाल टू प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल टू फ्लैजेलेटेड चैम्बर, फ्लैजेलेटेड चैम्बर टू अफोर्डस, अफोर्डस टू एक्सकरंट कनाल, देन द ओस्कुलम, देन आउटसाइड। ओके,
अब देखें ये अफोर्डल टाइप का लुकेनोड कनाल सिस्टम है, इसके डायग्राम अलग से देखिए, वो तो वाटर करंट था, अब इसके डायग्राम के द्वारा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पहले कहाँ है देखें, फर्स्ट वाटर पाथवे ऑफ द वाटर यानी फर्स्ट एंटर्स इनटू द ओस्टिया, ओस्टिया के बाद में इनकरंट कैनाल है, इनकरंट साइनस, साइनस के बाद कैनाल है ये, ओके। और उसके बाद कहाँ पहुँचते हैं, मतलब प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल्स के बाद में पहुँचते हैं फ्लैजेलेटेड चैम्बर, फ्लैजेलेटेड चैम्बर्स के बाद में कहाँ पहुँचे, अपोपाइल, ओके। अपोपाइल के बाद में पहुँचते हैं एफोडस में, एफोडस के बाद वो वाटर करंट जो है एक्सकरंट कनाल, एक्सकरंट कनाल से वहाँ से निकल जाता है ओस्कुलम द्वारा बाहर, ओके। यानी एक टिपिकल टाइप ऑफ कनाल सिस्टम, यानी जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी लिए हुए जो कनाल सिस्टम है, इस तरह से ये पाया जाता है, जिसको हमने एफोडल कहा। अब नेक्स्ट टाइप जो है, नेक्स्ट टाइप ऑफ यानी तीसरे प्रकार का जो कनाल, ल्यूकेनोइड कनाल सिस्टम, जिसको नाम यहाँ दिया हुआ है, दिखाई दे रहे होंगे आपको, यानी दैट इज़ अ डिप्लोइड टाइप ऑफ ल्यूकेनोइड कनाल सिस्टम। इसके एग्जांपल के रूप में मैंने दिए हैं, दैट इज़ ओस्पोंजिला एंड ऑस्करल, द बेस्ट एग्जाम्पल्स आर द स्पोंजिला एज वेल एज द ऑस्करल। अब इनमें देखें जो अफोर्डल टाइप है, उनमें अफोर्डस का निर्माण हुआ इसी तरह से कि जो प्रोसोपाइल है, प्रोसोपाइल एक और नैरो ट्यूब के रूप में विकसित हुए, इसको कहते हैं प्रोसोडस। तो दो प्रकार, दो नलिकाओं का फॉर्मेशन हुआ, अफोर्डस एवं प्रोसोडस। अफोर्डस तो पहले ही हुआ और उसके बाद प्रोसोडस का हुआ, तो इसको दोनों प्रकार के हैं, इसीलिए इसको कहते हैं डिप्लोइडल टाइप ऑफ कनाल सिस्टम। सो वाटर करंट जो है इसका देखिए कहाँ पर है, पहले वाटर एंटर्स इनटू द ओस्टिया, देन टू इनकरंट कनाल, इनकरंट कनाल या स्पेसेस टू प्रोसोपोडस, प्रोसोडस, देन फ्लैजेलेटेड चेंबर टू एफोडस, देन एक्सकरंट कनाल एंड ओस्कुलम आउटसाइड। अब देखें ये डायग्राम यहाँ है, देखिए इसका डायग्राम में कहाँ दे रखे हैं, यानी पहले ओस्टिया, ओस्टिया से अंदर इनकरंट साइनस या इनकरंट कनाल, देन द फ्लैजेलेटेड द प्रोसोडस, फिर उसके बाद कहाँ आ गया, दैट इज़ द फ्लैजेलेट प्रोसोडस के बाद में, दैट इज़ द फ्लैजेलेटेड चेंबर, फ्लैजेलेटेड चेंबर्स में अफोडस में आ गए, अफोडस से एक्सकरंट कनाल, एक्सकरंट कनाल से बाहर ओस्कुलम होकर के बाहर निकल जाता है। अब देखें व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कनाल सिस्टम, सिग्निफिकेंस, अभी तो अभी तक तो हमने केवल उसके टाइप पढ़े हैं लेकिन सिग्निफिकेंस तो नहीं पढ़े। तो सिग्निफिकेंस देखिए, सिग्निफिकेंस में क्या क्या है, मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स में यह लिख रखे हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ द कनाल सिस्टम, इट हेल्प्स फॉर रेस्पिरेशन, हेल्प्स फॉर न्यूट्रिशन, एंड इट कनाल सिस्टम हेल्प्स फॉर एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द क्लासिफिकेशन और द, और यू कैन स्टडी the evolution of the sponges also, okay। अब देखें कि सबसे पहले मैंने दिया respiration, respiration यानी respiration में के हैं कि शरीर की सभी कोशिकाएं जल में संपर्क में तो रहती हैं, ये विसरण की विधि द्वारा ऑक्सीजन कोशिकाओं में ग्रहण की जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड विसर्ज की जाती है। दूसरा है न्यूट्रिशन या पोषण जो है, और इनमें इनके जो फूड मटेरियल्स होते हैं, फूड होते हैं, वो या तो छोटे छोटे जीव जैसे स्मॉल प्लैंकटन्स होते हैं, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं, और ये कोयानोसाइट्स, इनका पाचन जो है ये कोयानोसाइट्स और इसका या इसका डाइजेशन जो है वो कोयान्स के द्वारा, एवं अवशोषण जो है, अब्सॉर्प्शन जो है वो किसके द्वारा होता है, यानी अमीबोसाइट्स के द्वारा होता है, ओके। अगला है दैट इज़ एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन में देखें इसकी स्पंजस के एक्सक्रीटरी मटेरियल, एक्सक्रीशन जो है एक्सक्रीशन के अंदर उपापचयी मेटाबॉलिक जो मटेरियल होते हैं, मेटाबॉलिक पदार्थ सब्सटेंसेस के रूप में इसमें उपस्थित होता है, दैट इज़ अमोनिया, ओके। और ये बाहर इसी वाटर करंट के द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज द रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में किस तरह से ये हेल्प करते हैं, हाउ इट हेल्प्स फॉर रिप्रोडक्शन, और इनमें जो इंटरनल रेस्पिरेशन, सॉरी इंटरनल तो इसका फर्टिलाइजेशन होगा, और उसके बाद इंटरनल एज वेल एज क्रॉस फर्टिलाइजेशन है,
और मेल ऑन फीमेल जो स्पर्म्स एंड ओवम जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं उसका जलधारा में वाटर करंट में आते हैं और उसके बाद उसका निषेचन वहीं हो जाता है। और वर्गीकरण में क्लासिफिकेशन में किस तरह से हेल्प करते हैं और ये नालतंत्र उद्विकासी अध्ययन स्पंजों के वर्गीकरण में भी सहायक होता है। और इसके साथ साथ ये कनाल सिस्टम जो है पार्ट थर्ड यहीं ख़त्म हो जाते हैं। अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ लेंगे और थैंक यू वेरी मच।